से एक बार फिर आप रेडी हैं अब्रॉड होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर विश शेफ राणा, जो कि आपको मालूम है इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जहां जहां जिस जिस कंट्री में मैंने काम किया था, जैसे दुबई में, दोहा कतार में, बहरीन में, और अभी प्रेजेंट में मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ, तो सऊदी अरब का पर्सनल एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अब्रॉड में जॉब कैसे लेना है, अब्रॉड में होटल में काम कैसे होता है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल है उसको जरूर प्रेस करके रखिए। तो आज का जो पॉइंट है वो है हाइजीन। जब बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, फूड ट्रायल देने के लिए जाते हैं, तो वहां पर हाइजीन में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे शेफ लोग यही चीज देखते हैं कि ये बंदा हाइजीन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हाइजीन की नॉलेज है या नहीं है। तो इसीलिए अगर जिसको हाइजीन की नॉलेज नहीं होती है तो उन लोगों को वो लोग लेते नहीं है, कुछ भी बहाना बना देते हैं वो लोग। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म ना करते हो, जब तुमने किचन में फूड ट्रायल दिया था तो उस समय तुमने हाइजीन फॉलो नहीं की थी, बहुत सारे गंदगी के साथ तुम काम कर रहे थे, इसलिए वो लोगों को फेल भी कर देते हैं। तो क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या ऐसे चीज हैं जिनका आप ध्यान रखना चाहिए जब आप फूड ट्रायल दे रहे होते हैं, क्या क्या हाइजीन के पॉइंट हैं, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए तो हाइजीन के ऊपर जो पॉइंट है सारे आपको मालूम चल जाएगा और 100% आपको सक्सेस मिलेगी जब आप फूड ट्रायल देने के लिए जाएंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है हैंड वॉश। जैसे आप किचन में जाते हैं, या होटल के किचन में, या रेस्टोरेंट की, या कैटरिंग की किसी भी किचन में जाते हैं, तो सबसे पहले आप जो एंट्री करेंगे वहां पे हैंड वॉश करना है आपको। हैंड वॉश के बाद में आपको सैनिटाइज करने हैं अपने हैंड, और उसके बाद में ग्लोव्स पहनने हैं आपको। ग्लोव्स पहनने के बाद में आपको हेयर नेट लगाना है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हेयर नेट जो कैप होते हैं यहीं तक छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। अब आजकल जो यहाँ पे गल्फ में जो कैप हैं वो नेट वाले हैं, तो वो पूरे कान अपने कवर करने पड़ते हैं यहाँ तक हम लोगों को। तो जब भी आप किचन में जाते हैं किसी भी गल्फ कंट्री में या इंडिया में भी, अगर वो कैप है तो आप पूरे कान तक कवर कीजिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस है हेयर नेट लाने की, वो ये चीज भी देखते हैं। वो लोग यही देखेंगे सबसे पहले बंदा आया तो उसने हैंड वॉश किए, गुड प्रैक्टिस है इसको हाइजीन की। नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट है, कटिंग बोर्ड, नाइफ, फूड पैन, एरिया जहां भी आप काम कर रहे हैं वो एरिया, फूड पैन, जो भी आप खाना बनाने के लिए ले रहे हैं, नाइफ, कटिंग बोर्ड, सारी चीज आपको सैनिटाइज करनी है। वहां सैनिटाइज की बोतलें होती हैं और उनके जरिए आपको वो सारी चीजें सैनिटाइज करनी है, फिर टिश्यू पेपर से वो वाइप कर देनी है फ्रेंड्स, यानी कि ड्राई कर देनी है। तो आपको अपना एरिया सबसे पहले सैनिटाइज करना है, जहां भी आपको कटिंग करनी है, जहां भी आपको खाना वगैरह बनाना है, क्लीन करना है आपको अपना एरिया। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, यूज कलर कटिंग बोर्ड, यानी कि जिस भी काम के लिए आप कटिंग बोर्ड यूज करना चाहते हैं उसी कलर के हिसाब से, जैसे वेजिटेबल आपको काटने हैं तो वेजिटेबल के लिए आपको ग्रीन नाइफ लेना है, आपको कटिंग बोर्ड ग्रीन लेना है। ये सारी चीजें वो देख रहे होते हैं जो वहां पर सीनियर होते हैं, जब भी आप ट्रायल दे रहे होते हैं वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं एडजुटेड शेफ को, या जो भी ट्रायल पास कर रहा है आपका या टेस्ट कर रहा है उनको इन्फॉर्म कर देते हैं ये सारी चीजें कि ये बंदे ने हाइजीन फॉलो नहीं किया। तो वहां पे आपको जो भी कटिंग करनी है, यानी कि पोल्ट्री कट करनी है, आपको चिकन कट करनी है, येलो नाइफ लेना है, येलो कटिंग बोर्ड लेना है। अगर आपको वेजिटेबल कट करना है तो ग्रीन सारी चीजें लेनी है, वेजिटेबल, कटिंग बोर्ड और नाइफ लेना है। अगर आपको रेड मीट कट करनी है तो रेड नाइफ लेना है और रेड कटिंग बोर्ड लेना है। तो वहां पे कलर कटिंग बोर्ड सारा ये यूज करने, अपने दिमाग में ये भर के जाना, माइंड में ये सोच के जाना कैसे कैसे हाइजीन भी फॉलो करनी है, क्योंकि 25% हाइजीन भी आपके फूड ट्रायल में सहयोग करती है, हेल्प करती है पास करने में वो लोग। अगर अच्छी जगह पे आप ट्रायल के लिए जा रहे हैं, छोटी मोटी जगह की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। फोर्थ जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है चेंज ग्लोव आफ्टर 30 मिनट। आफ्टर 30 मिनट जब आपको चेंज करना है ग्लोव्स, के जब आप काम नहीं कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन रूल ये है ईच एंड एवरी वर्क, जैसे एक काम खत्म किया आपने उसके बाद में आपको ग्लव्स चेंज करने। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड, चेक फूड टेम्परेचर, ये भी हाइजीन में आता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको रॉ फूड पहुंच जाए, या फिर मीडियम बेल पहुंच जाए, या मीडियम खाना पहुंच जाए जिसमें ब्लड आ रहा हो, तो वो लोग ये भी देखते हैं। तो उनको बेल्डनी, मीडियम बेल या बेल्डनी खाना आपको सर्व करना है, तो आपको खाने का टेम्परेचर चेक करना है
थर्मामीटर से, और थर्मामीटर यूज करने से पहले आपको उसको सैनिटाइज करना है, या तो वहां सैनिटाइजर होगा बोतल में, या फिर वहां पर वाइप्स होते हैं छोटे छोटे जो कि सैनिटाइजर वाइप होते हैं, सैनिटाइज करते हैं जिससे हम लोग वो वाइप से आपको उसको सैनिटाइज करना है। फिर बाद में उसको फूड में डालना है, और फूड में जैसे आपने चिकन का टेम्परेचर चेक किया, अगर हॉट है वो तो अबव 75 होगा जो कि सऊदी के रूल्स है, और आप अगर आपने कोल्ड सैलेड का टेम्परेचर चेक करना है उसी थर्मामीटर से, तो जैसे चिकन से आप निकालेंगे तो उसको वाइप करना है, यानी कि एक फूड यूज करने के बाद में दूसरे फूड का टेम्परेचर और उनके सामने अगर आप चेक करते हैं तो उसको थर्मामीटर को वाइप करने के बाद ही यूज करना है, और जैसे ही आपका यूज खत्म हो जाता है थर्मामीटर का तो आपको उसको वाइप करके ही वहां पर रखना। ये सारी चीजें वो लोग देखते हैं कि ये वाइप कर रहा है थर्मामीटर दूसरे फूड से तीसरे फूड में यूज करने के लिए, तो ये उसको वाइप कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्यों बोल रहा हूँ, इससे क्रॉस कंटामिनेशन होगा, यानी एक चीज से जो भी प्रॉब्लम है वो दूसरी चीज में पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स जो पॉइंट है फ्रेंड्स 6 पॉइंट वो है सैनिटाइज द वेजिटेबल, यानी कि जो भी आप वेजिटेबल फूड ट्रायल में यूज करने के लिए जा रहे हैं उन सबको सबसे पहले सैनिटाइज करना है, अच्छे से सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज कैसे करते हैं फ्रेंड, उसके लिए भी अगर एक वीडियो बना दूंगा, अगर कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिए कि वेजिटेबल सैनिटाइज कैसे करते हैं, उसके लिए भी मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन क्या होता है, पहले आपको नॉर्मल वाटर में वॉश करना है, फिर सैनिटाइजर वाटर में वॉश करना है, उसके बाद में नॉर्मल वाटर में वॉश करना है जो भी आप वेजिटेबल यूज कर रहे हैं। वो लोग ये भी देखते हैं कि जिसने ये वेजिटेबल यूज किए हैं वो बंदा सैनिटाइज किया है वेजिटेबल को या नहीं किया हुआ। वेजिटेबल सैनिटाइज करने के बाद ही यूज करने अपने फूड ट्रायल में, ये मैं वहां की बात कर रहा हूँ, यहाँ सारे रूल फॉलो होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी जगह पर नहीं होते हैं फ्रेंड्स। और लास्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, 8वां पॉइंट वो है पर्सनल हाइजीन। जब भी आप कहीं भी फूड ट्रायल के लिए जा रहे हैं तो अपने सबसे पहले स्टार्टिंग से लेके बाल छोटे करा के जाने चाहिए, शेव हुआ होना चाहिए, पूरा दाढ़ी वगैरह मूछ वगैरह नहीं होना चाहिए, जो मूछ रखता है उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेव किया हुआ होना चाहिए क्योंकि शेव अलाउ नहीं है, दाढ़ी अलाउ नहीं है वहां पर। उसके बाद में कपड़े भी आपके साफ सुथरे होने चाहिए, उसके बाद में आपके ब्लैक शूज ब्लैक सॉक्स होने चाहिए, उसके बाद में आपके नाखून भी कटे होने चाहिए, तो यानी कि पूरा पर्सनल हाइजीन भी वो लोग चेक करते हैं जब आप वहां पर जाते हो। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं शेविंग नहीं किए हुए हैं और फिर भी वहां पर चले जाते हैं और वो लोग उनको फेल करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मालूम है फर्स्ट इम्प्रेशन ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंटरव्यूअर के सामने पेश करना अपने आप को। तो ये थी फूड ट्रायल में पर्सनल हाइजीन को कैसे फॉलो करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको जरूर प्रेस करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है, कमेंट्स है आपके मन में तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बिजी रहता हूँ ड्यूटी पे, ड्यूटी से जो टाइम मिलता है जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ और उनको एडिट करता रहता हूँ फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।